Welcome to Ascent Charlie Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss derivation of electric field intensity at a point on axial position due to an electric dipole. Electric dipole के कारण axial position पर कैसे निकलेगा ये हम आज करने जा रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन को देख लो। अब इसी क्वेश्चन को हम निकालते हैं दूसरे ढंग से। पूछने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन टेन ए पोजीशन। ये टेन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के आधार पर है, इसी का नाम है टेन ए पोजीशन भी। बच्चे जानते हैं सारा, लेकिन यदि नाम बदल दिया तो बच्चे वहां घबरा जाते हैं। इसी को पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एंड ऑन पोजीशन। जैसे हमारा ये डायपोल है, डायपोल का ये एंड हो गया, ये एंड हो गया, एट ए पॉइंट ऑन एंड ऑन, इस एंड की तरफ हुआ, ये एंड की तरफ हुआ, इसको हम इस तरह से निकालते हैं। अब इसी को यहाँ पर डेरिवेशन, इसका बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं जिस तरह से दिखाता हूँ ठीक वैसे ही लिखना है। डिटो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते हैं CBSE में। अब आप देखते चलो ध्यान से। यहाँ पर -2 चार्ज हमने लिखा, ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिखा +2 चार्ज। अब इसी एंड पर लास्ट में हमने कहीं पर एक पॉइंट हमने पी ले लिया। अब यहाँ जो हम पॉइंट पी ले लिए, देख लो बेटा ये इसको रिपेयर करेगा। इन दोनों यहाँ पर डिस्टेंस जो हम लेते हैं मिडिल पॉइंट से, मिडिल में वो है, ओ से बी का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया आर, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। देख लो ओ डी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया a, इधर a से ओ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया a। अब इस आधार पर हमें बीपी का डिस्टेंस बताओ। देखो बेटा टोटल आर है, उसमें से ये ए माइनस हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस ए, और यहां से लेते ए से डिस्टेंस निकालते। देखो बेटा यहां से तो आर है और इसमें ये ए और ऐड हो गया, ध्यान दो इधर, यहां से आर है और ये ए यहां से ऐड हो गया, इसलिए ये डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस ए। डायग्राम आपने बना दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद जैसे कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर दो। द एस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शाउन इन फिगर। आपने फिगर बना दिए, एस्टिमेटिक डायग्राम यहां दिखा दिए। अब यहां पर लिखना है द इलेक्ट्रिक, यहां पर द मैग्नीट्यूड यहां पर बुक वाले वेक्टर में डाल देते हैं, बच्चे वहां गड़बड़ करते हैं, ये नहीं। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट बी है इज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देख लो +1 हमने यहाँ रखा। अब इस +1 को ये क्या करेगा, इधर जो जा रहा है ये इसको रिपेयर करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी की डायरेक्शन हो गई, या ईवी नहीं है जाके +Q लिख दो +Q, और
ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो E माइनस क्यू, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमें लिख दिया ए E प्लस क्यू इक्वल टू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जानते हो, 1/4πε0qr2। सिंपली लिखो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस bb2, दिस इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। और यहाँ डायरेक्शन लिख दो अलॉन्ग ओ से, यहाँ पर देख लो ओ से पी की तरफ या बी से पी की तरफ, अलॉन्ग बी से पी की तरफ। ये रिपेयर करता रहेगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, ये रिपेयर करता है, ये इधर चला जाएगा। आई बात समझ में आता। अब ये ऐसे लिख दो द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, ए पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब आपके एट ए इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू लिखा हमने, यहाँ पर देख लो 1/4πε0 क्यू अपॉन, और डिस्टेंस कितना है ए से बी की तरफ, दैट इज ए पी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, पी से ए की तरफ, पी को अट्रैक्ट कर रहा है ए की तरफ, ये डायरेक्शन हो गया। बट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर्स, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और इट इज नियरर पॉइंट, सो दिस फोर्स इज ग्रेटर, देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी इज, यहाँ पर हमने ई लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस क्यू, अब आपके क्या प्लस क्यू बड़ा है माइनस ई माइनस क्यू। अब यहाँ दोनों को निकालना है, तो दोनों में क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ भी एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, माइनस करना है क्यू बाई फोर फाइव थाउजेंड नोट दोनों में कॉमन है, हम पहले ही ले लिए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में बच गया 1/r - a² माइनस 1/r + a² और डायरेक्शन अलॉन्ग ओ से पी की तरफ। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, Q अपॉन 4πε0 इंटू ये लिख लो r + a² माइनस r - a² अपॉन r - a² r + a², ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर इसको ओपन कर दो या नहीं, तो हम क्या जानते हैं, सेंस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम क्या लिख देंगे इसको, क्यू अपॉन 4πε0 फोर ए की जगह पर आर है आर ए अपॉन और नीचे में और दूसरा आर माइनस ए, दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने नीचे में अप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अलॉन्ग ओ से पी की तरफ। आगे मेरा समझ में आता। अब ये जब समझ में आ गए हैं, अब इसको थोड़ा ब्रेन लगाओ। E इक्वल टू 1/4πε0 को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हर बार कॉन्स्टेंट भी ये रहता है, और Q इंटू 2A, इसको Q इंटू 2A कर देते हैं इंटू 2R, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हम क्या जानते हैं, बट E इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, इसलिए E इक्वल टू 1/4πε0 आपके पी टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अलॉन्ग ओ पी। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसी को रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, यदि इलेक्ट्रिक बहुत छोटा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया HCl, H2O, ये सब एग्जांपल दिए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, सो ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, therefore E equal to 1/4πε0 2P। देखो बेटा 2PR है हमारे पास, 2PR अपॉन नीचे में देखो A हमारा नेग्लेक्ट हो गया तो R बच गया, तो R का पावर 4 हो जाएगा, R का पावर 4 हो गया हमारे पास, ये कट के R के पावर 3, ये R कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच गया, देखो therefore E equal to 1/4πε0 2P upon RQ, this is required expression, this is required expression। देखो बेटा ऐसे सिंपल वे से पूछा है, सारे बच्चे लिख देंगे। अब आपको कह देते हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके एक्सियल पोजिशन पर यू हैव टू प्रूव E proportional to 1/RQ। अब देख लो here 1/4πε0 2PR constant, ये constant है, E क्या हो गया distance के R power 3 के हो गया, और इसी का graph कभी कभी दे देंगे आपको, graph इसका खड़ा होता है जैसे R power 3 खड़ा होते हैं, मिलते नहीं। यहाँ पर E electric field मान लो इधर लिख दिया आपने, इधर R बढ़ाते गए, इस तरह से आपके ग्राफ इसके बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं। मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन सभी को समझ में आया गया होगा, और इतने सिंपल वे से आपको मिलेंगे नहीं, ये आपका वीडियो लेक्चर का भी काम करेगा, नोट्स का भी काम करेगा, और नेट जेई का प्रिपरेशन करते हो इसी का फॉर्मूला जो है आपको उसका काम करेगा, जेई और नेट में, जेई करो चाहे नेट का करो, फॉर्मूला सबका याद रखना है। डेरिवेशन आता है तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और वो बच्चे जो नीट की तैयारी करने चाहते हैं वो 2 महीने के भीतर में नीट की तैयारी के लिए कोर्स हम दे रहे हैं, आप उनमें ज्वाइन कीजिए नीट का बटन, और मैं उन्हें तैयारी करा दूँगा। थैंक यू।